सीएल द्वारा भारी ब्लास्टिंग करने से गोड्डा जिला के लोहंडिया गांव के 250 परिवारों के मकानों में दरार पड़ गई है। हम लोग इसी रूम में सोते थे मैडम, क्योंकि इधर का पूर्वैया हवा आता था, खिड़की हम लोग का इसी जगह में सोते थे। आज जब मकान गिरने लगा, देख रहे हैं आप क्या स्थिति है मकान का, आज कैसे हम लोग सोएंगे। एक बार चोट भी लग गया है हम लोग को, मतलब गिरते गिरते बच गया है, सर पर बच्चा को चोट लग गया है ऊपर से गिरने पे, चट्टान गिरने से। मैं कोई सुनवाई आज तक नहीं हुआ। ग्रामीणों ने कई बार सीजीएम को ब्लास्टिंग की रेंज को कम करने के लिए आवेदन दिया, इसके बावजूद भी विभागीय लापरवाही के कारण जोरदार ब्लास्टिंग थम नहीं रही है। अब सब समस्या ये कि दीदी सामने जो खदान आ गया, अच्छा, गरीब आदमी को शौचालय भी नहीं है, कैसे जाएंगे शौचालय, ब्लास्टिंग में घर द्वार गिर रहा है, गरीब आदमी कहाँ से बनाएगा। इसी तरह हम लोग जो महिला सब बंद किए ना, हाँ, तो इसीलिए सब मिल के ठेकेदार और मिल के पुलिस के केस करा दिया गरीब आदमी। हम लोग आंदोलन बैठे थे, 7 तारीख से हम लोग का आंदोलन था, 7 को बैठे कहीं कुछ नहीं हुआ। 8 तारीख को हमारा आंदोलन में वार्तालाप करने के लिए सीजीएम साहब लोग आए थे, थाना प्रभारी भी आए थे। 5 बजे तक हम लोग का वार्तालाप हुई, बाकी असफल रहा वार्तालाप। उसके बाद यहाँ से थाना प्रभारी और जो भी आए थे पदाधिकारी लोग, वो लोग चले गए। जाने के बाद चौक पर गए, वो लोग बिचौलिया के यहाँ गए, वो लोग नाश्ता पानी खाना रात में खाए थे, फिर वो लोग 8:30 बजे रात को आए। आने के बाद वहाँ से मुखिया जो है वहाँ का आकर के बोला कि आप लोग के ऊपर थाना प्रभारी आ रहा है, इस तरह का बात किया। करने के बाद ठीक उसके पीछे ही थाना प्रभारी आए और हम लोग के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिए, मतलब पकड़ना चालू कर दिए हम लोग को कि आप लोग आंदोलन तोड़िए, वार्तालाप करके हटाइए, मतलब कि और नहीं महिला लोग मानी तो लोग गोली बारूद भी मतलब छोड़ दिए हम लोग के ऊपर। हम लोग तो आतंकवादी नहीं ना है, उन्हीं के पास था सामान, हम लोग के पास तो सामान था ही नहीं, और वो लोग ने फायरिंग करना चालू कर दिया महिला लोग के ऊपर। महिला लोग तो बहुत डर गई है, फायरिंग करना चालू कर दी, फिर भी महिला डटी रही, बोली जब जान ही देना है या ऐसे मरे खदान में मरे, या खदान वाला घर गिर के मरे, या ऐसे मरे, अपना हक की लड़ाई लड़ रही थी। और महिला लोग स्वच्छ करने जाती है तो टॉर्च बार के वो लोग देखते हैं, जो वहाँ का गाड़ी चलाता है वो लोग टॉर्च बार के देखता है, महिला लोग को खदेड़ता है वहाँ से। अब बताइए इस स्थिति में महिला लोग क्या करेगी, महिला लोग के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है कि कहना मुश्किल है। इसमें 13 आदमी के ऊपर FIR है, 50 महिला और 100 पुरुष पर अज्ञात दिया गया है, जिस वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। मैंने यह वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि इस समस्या से मेरे रिश्तेदार भी प्रभावित हो रहे हैं। मैं और मेरे समुदाय के लोग चाहते हैं कि खदानों में ब्लास्टिंग के रेंज को कम किया जाए, हमारा पुनर्वास सभी शर्तों के साथ पूरा किया जाए और हमें शौचालय जैसी जरूरी सुविधाएं मिले। मैं सभी दर्शकों से अपील करती हूं कि हमारे जिला उपायुक्त राजेश कुमार शर्मा का मोबाइल नंबर 9431134597 पर फोन कर दबाव डालें और हमारी समुदाय की मदद करें ताकि यह समस्या जल्द से जल्द दूर हो सके। मैं मेरी निशा हांसदा, जिला गोड्डा, झारखंड से, इंडिया अनहद के लिए।